मैं क्लास दहम को एजुकेटर सिविल लाइन कैंपस की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारा जो उनवान है वो मुतालिया पाकिस्तान का पहला चैप्टर तारीख़ पाकिस्तान है, जिसमें हम उसके जो पहले 5 मुख्तर सवालात हैं उनके जवाब तहरीर करेंगे। तो पहला जो सवाल है, यूनियन काउंसिल के दो फ़राइज़ तहरीर कीजिए। तो ये दो फ़राइज़ दर्ज ज़ैल हैं, मकामी सतह पर टैक्स लगाना, अपनी हदूद के अंदर सिक्योरिटी का इंतज़ाम करना वगैरह। क्वेश्चन नंबर 2, मकामी हुकूमत से क्या मुराद है? ऐसी हुकूमत जिसकी बागडोर मकामी लोगों के हाथ में हो मकामी हुकूमत कहलाती है। मकामी लोग ही मकामी सतह पर पॉलिसियाँ मरतब करते हैं, मंसूबे बनाते हैं और उन मंसूबों को अमली जामा पहनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सदर गुलाम साहब खान ने किन अल्ज़ाम के तहत बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ किया? सदर गुलाम साहब खान ने 6 अगस्त 1990 को आइन की दफ़ा 58(2)(b) को इस्तेमाल करते हुए बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाकर उसकी हुकूमत को बर्खास्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, मुशर्रफ दौरे हुकूमत में ख़वातीन के लिए किए गए दो इकदाम तहरीर कीजिए। नंबर 1, सूबा पंजाब में अहम शाहराहत पर ख़वातीन को ट्रैफिक वार्डन भर्ती किया गया। हुकूमत ने एयरफोर्स में पहली बार फ्लाइंग फाइटर की हैसियत से ख़वातीन को शामिल किया। सवाल नंबर 5, अमेरिका ने किस कानून के तहत पाकिस्तान को दफाई सामान की फराहमबंदी बंद कर दी? इसका जवाब है, जनवरी 1992 में अमेरिका ने प्रेसलर तरमीम के तहत पाकिस्तान को दफाई सामान की फराहमी बंद कर दी। आज की जो आपकी डायरी है वो इन 5 सवालात के जवाब याद करना है और ये ज़रूर याद कीजिए।